हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम टू अध्ययन सेतु एकेडमी दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन जिसको शॉर्ट में बी के नाम से भी जाना जाता है तो बी का एक क्रोशियल रोल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नियर द बॉर्डर एरिया स्पेशली इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड स्पेशली इन रिमोट एरियाज ओके फॉर द यूज़ ऑफ मिलिट्री एज़ वेल एज सिविलियंस तो यहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे बी के बारे में क्या है इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके का वर्किंग कल्चर है बी का और किस तरह के प्रोजेक्ट बी हैंडल करता है और किस मिनिस्ट्री के अंडर बी काम करता है तो सब कुछ यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ को स्पेशली सात मई 1960 को इस्टेब्लिश किया गया था टू सिक्योर द इंडियाज़ बॉर्डर एंड डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज स्पेशली इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ़ द इंडिया और बीआरओ केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया की जो फ्रेंडली नेबर कंट्रीज हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट हैंडल करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है तो इस तरीके से बीआरओ इंडिया में एट्टीन स्टेट्स और वन यूनियन टेरिटरी के साथ साथ जो हमारी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज़ हैं लाइक like अफगानिस्तान भूटान म्यांमार और श्रीलंका यहाँ पे भी प्रोजेक्ट ऑपरेट करता है तो रिसेंट टाइम पे बी लगभग 33000 हज़ार किलोमीटर की रोड और लगभग बारह हज़ार मीटर के परमानेंट ब्रिजेस को मैनेज कर रहा है मेनटेन कर रहा है अगर हम बी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था बी और इनिशियल स्टेज में जो बी है उसमें प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन होते हैं और डिफेंस मिनिस्टर एज अ डिप्टी चेयरमैन होते थे बट नाउ अ डेज आज के टाइम पे जो बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड है यहाँ पे चेयरमैन होते हैं रक्षा राज्य मंत्री और फिर यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंजीनियर इन चीफ डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड डी, डी जी जिनको बोलते हैं और एफ ए फाइनेंस एडवाइज़र ये होते हैं बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड के मम्बर तो बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड बी के जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो होते हैं डी डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड जो कि इंडियन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंटायरली आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर और यहाँ के जो सेक्रेटरी होते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट होल्ड करते हैं बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर आता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में होता है बॉर्डर रोड विंग जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर और जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्सेस जीआरईएफ जो कि आती हैं इंडियन आर्मी के अंडर इंडियन आर्मी का ही पार्ट होती है जी आर में होते हैं सिविल इंजीनियर्स मैकेनिकल इंजीनियर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसर और मेडिकल ऑफिसर तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग विंग के ऑफ़िसर्स होते हैं वो बेसिकली आते हैं बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंडर बी आर ई एस तो यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स जो होते हैं स्पेशली जो इंजीनियरिंग विंग से बिलोंग करते हैं उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है बाय द आई ई एस जो कि यू एवरी ईयर कंडक्ट करवाती है बाकी जो रिमेनिंग ऑफिसर्स होते हैं वो इंडियन आर्मी कॉरपोरेशन ऑफ इंजीनियर्स से डिपुटेशन बेसिस पे रिक्रूट किए जाते हैं अपॉइंट किए जाते हैं जी आर ई एफ़ इनको बोला जाता है ई आर ई एक्स्ट्रा रेजिमेंटल एम्प्लॉइज़ यहाँ पे जो ऑफ़िसर होते हैं बी आर ओ में जो ऑफिसर रिक्रूट किए जाते हैं या डिप्लॉय किए जाते हैं इनकी जो रैंकिंग होती है वो इक्वेलेंट आर्मी ऑफिसर्स होती है जिस तरीके से आर्मी में ऑफिसर्स की रैंकिंग होती है लाइक like यहाँ पे एडिशनल डी होते हैं जो कि डी के अंडर होते, है। होते हैं ये इक्विवेलेंट होते हैं इंजीनियर इन चीफ के उसके बाद चीफ़ इंजीनियर सुपरिनटेंडिंग इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एन एफ एस जी एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो ये रैंक बेसिकली ऑफिसर्स की होती है यहाँ से एक आईएएस ऑफिसर अपनी पोस्ट स्टार्ट करता है अपनी जॉब स्टार्ट करता है और वो प्रमोट होते होते एडिशनल डी जी तक पहुंचता है और यहाँ पे जो इंजीनियरिंग विंग के ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए भी आर्मी कम्पल आर्मी यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि आर्मी का ही पार्ट होते हैं तो इनके जो बैजिंग होती है इनके शोल्डर पर यूनिफॉर्म पे वो इक्वेलेंट टू तो आर्मी ही होती है बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें अप्लाई होता है सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1965 इसके साथ साथ उनमें आर्मी एक्ट 1950 और आर्मी रूल 1954 भी सब्जेक्ट होता है जे जो है वो इंडियन आर्म्ड फोर्स का एक इंटीग्रल पार्ट होता है और जे के मेंबर जो होते हैं आर्म्ड फोर्स के भी मेंबर होते हैं इस तरीके से जो भी फैसिलिटीज़ इंडियन आर्म्ड फोर्स के पर्सनल्स को या ऑफ़िसर्स को प्रोवाइड कराई जाती है वही सारी फैसिलिटीज़ बी के ऑफ़िसर या जी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए भी ऑथोराइज होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट के ऑफ़िसर्स हैं और ये एक बिल्कुल इंडियन आर्मी के पर्सनल से ऑफिसर तरह दिख रहे हैं जबकि ये इंजीनियरिंग विंग के ऑफ़िसर्स हैं बी के अगर हम बात करें बी के रोल की तो बी आर दो तरह की सिचुएसन में वर्क करता है फर्स्ट होता है ड्यूरिंग द पीस एंड सेकेंड होता है ड्यूरिंग द वॉर अगर हम ड्यूरिंग द पीस की बात करें इस टाइम पे बी का जो मेन ऑपरेशन होता है ये होता है डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द जनरल स्टाफ नियर द बॉर्डर एरियाज एंड स्पेशली इन रिमोट एरियाज और इसके साथ साथ बी आर बॉर्डर एरिया पे जो स्टेट्स होते हैं उनके सोशल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के में भी कंट्रीब्यूट करता है और अगर हम ड्यूरिंग द वॉर बात करें तो ड्यूरिंग द वॉर बी आर ओ का जेन ऑब्जेक्टिव होता है मेन वर्क होता है वो होता है टू मेंटेन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू इंश्योर द कनेक्टिविटी फॉर द आर्मी पर्सनल फॉर द मूवमेंट ऑफ द आर्मी चाहे वो परमानेंट सेक्टर हो ओरिजिनल सेक्टर हो या फिर कोई रीडिप्लॉयड या नया डिप्लॉय किया हुआ सेक्टर हो दोनों के लिए कनेक्टिविटी को इंश्योर करना बी आर ओ जो होता है वो स्पेशली एक्सपर्टीज होती है उसकी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ब्रिज टनल कॉजवेज़ हेलीपैड और एयरफील्ड की अगर हम बी के प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव की बात करें तो बी आर ओ इंडिया और इंडिया की जो भी फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट ऑपरेट करता है इस तरीके से बी के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें स्पेशली रोड ब्रिजेस और एयरफील्ड्स होते हैं इन द हॉस्टाइल इन्वायरमेंट और हॉस्टाइल एरिया और इस्पेशली बी आर सिर्फ बी एक ऐसा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट का जो सारे के सारे काम खुद ही करता है जो भी प्रोजेक्ट है बी खुद ही उसको सेंकसन करता है और उसका जो एग्जीक्यूशन का वर्क है वो बी खुद ही करता है अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट केवल प्रोजेक्ट को सेंकसन करते हैं उसकी टेंडरिंग करके वो प्रोजेक्ट किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कं, या कंपनी को हैंड करते हैं और उसका जो एग्जीक्यूशन का काम है वो प्राइवेट कंसल कंसल्टेंसी या कंपनी करती है और उसके अलावा फिर गवर्नमेंट उसके सुपरविजन के लिए एक कंसल्टेंसी भी हायर करती है इस तरीके से गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट स्पेशली दो कंसल्टेंसी या फर्म के द्वारा कंप्लीट कराया जाता है बट बी आर ओ के केस में ऐसा नहीं होता है बी आर ओ अपना काम खुद ही करती है और बी आर ओ एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी की सारी मशीनरीज़ को ओन करती है जितनी भी हैवी मशीनरीज होती हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क या मेंटेनेंस वर्क में रिक्वायर्ड होती हैं वो बी आर ओ की खुद की होती हैं और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं चाहे वो ड्राइवर हो मशीन ऑपरेटर हो वो सब बी आर ओ के एम्प्लॉय होते हैं एक्सेप्ट ले तो इस तरीके से हम बी के प्रोजेक्ट की बात करें तो बी वर्क करता है फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रिकन्स्ट्रक्शन फ़ॉर द ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नियर द बॉर्डर तो अगर हम बात करें बी आर ओ के डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में तो जो भी डिज़ास्टर होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं चाहे वो सुनामी हो अर्थक्वेक हो या हैवी स्नोफॉल हो इन सभी सिचुएशंस में पी आर ओ का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है अगर हम बात करें तमिलनाडु में 2004 में आए सुनामी की या फिर जम्मू कश्मीर में 2005 में आए अर्थक्वेक की या फिर लद्दाख में 2010 में जो फ्लश फ्लैश फ्लड आया था इन सभी सिचुएशन में बी ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया था और सिचुएशन को हैंडल किया था और वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था सेकेंड होता है ओवरसीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बी आर ओ इंडिया के साथ साथ इंडिया की जो भी नेबर कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की फ्रेंडली नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी प्रोजेक्ट को ऑपरेट करता है अगर हम बात करें यहाँ पे अफ़गानिस्तान में बी आर ओ ने एक नेशनल हाईवे का, का काम कंप्लीट किया था जो है दलराम जरानज हाईवे 2008 में उसके अलावा बी ने तजाकिस्तान में फारखोर एंड अनी बेस कंस्ट्रक्ट किया था तो इस तरीके से इंडिया के साथ साथ बी इंडिया के जो फ्रेंडली ने, नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी प्रोजेक्ट को ऑपरेट करता है अगर हम डिज़ास्टर इन मैनेजमेंट की बात करें तो ये एवरी ईयर इन लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट इस्ट स्टेट में हैवी स्नोफॉल होते हैं और जो यहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसपोर्टेशन मोड होता है वो इनमें हाइड हो जाता है तो इनको रीकंस्ट्रक्ट करने का या इनको रिस्टेब्लिश करने का काम जो है बी का होता है इस तरीके से फिर थर्ड जो प्रोजेक्ट होता है थर्ड टाइप का प्रोजेक्ट जो होता है बीआरओ का वो होता है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम अभी रिसेंट प्रेजेंट टाइम पे देखें तो जो हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है बाय पाकिस्तान या फिर जो अभी इंकर्जन इंक्रीज हुआ है बाय द चाइना और रैपिड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइना के द्वारा किया जा रहा है इसको देखते हुए इंडिया ने भी बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज़ किया है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बी का रोल बहुत ही क्रूशियल है तो यहाँ पर स्पेशली बी रोड नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करता है बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्ट करता है और उसके लिए रिक्वायर्ड ब्रिजेस और रिक्वायर्ड टनल्स को भी बनाता है बी आर ओ के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो स्टेट वाइज अलग अलग नाम से रखे जाते हैं तो यहाँ पे बी आर ओ सेवन एट्टीन टाइप के प्रोजेक्ट ऑपरेट कर रहा है इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेज लाइक like अरुणांक बिकॉन ब्रह्मक चेतक दीपक दंतक इस तरीके से टोटल 18 प्रोजेक्ट बीआरओ के थ्रू ऑपरेट किए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे अगर हम इनको स्टेट वाइज देखें तो जो भी प्रोजेक्ट बीआरओ के लद्दाख एरिया में ऑपरेट किए जाते हैं वो आते हैं हिमांग प्रोजेक्ट के अंदर जो भी स्ट्रक्चर या जो भी स्ट्रक्चर बी बनाता है हिमाचल प्रदेश में वो आते हैं अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ दीपक जो भी स्ट्रक्चर उत्तराखंड में बनते हैं बी के द्वारा वो आते हैं शिवालिक में जो भी प्रोजेक्ट सिक्किम में बनाए जाते हैं वो आते हैं स्वास्तिक में जो भी प्रोजेक्ट या जो भी स्ट्रक्चर बी के द्वारा भूटान में बनाया जाता है वो दंतक प्रोजेक्ट के अंदर आता है अरुणाचल प्रदेश में बनने वाले जो भी स्ट्रक्चर हैं वो आते हैं अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ अरुणांग और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश और अस, असम की बॉर्डर में बनाए जाते हैं बी द्वारा वो आते हैं वर्तक प्रोजेक्ट तो के, के अंदर तो अरुणांक प्रोजेक्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश की मेन टेरिटरी में जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो आते हैं और अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर में जो में जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो आते हैं अंदर द प्रोजेक्ट ऑफ वर्तक और असम की मेन टेरीटोरी में जो प्रोजेक्ट या स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो आते हैं अंदर द प्रोजेक्ट ऑफ उदयक जिस तरीके से नागालैंड की टेरिटरी में बनने वाले स्ट्रक्चर्स सेवक मिजोरम में बनने वाले पुष्पक और मेघालय में बनने वाले स्ट्रक्चर सेतुक प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं इन द सेम सेंस जम्मू काश्मीर में विजयक बिकॉन और संपर्क तीन तरह के प्रोजेक्ट ऑपरेट कर रही बीआरओ बी आर इन द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान में कुछ प्रोजेक्ट बी के चल रहे हैं जो आते हैं अंदर द प्रोजेक्ट आप चेतक और एक प्रोजेक्ट चलता है इनका अंडमान निकोबार केवल एक यूनियन टेरिटरी में बी काम करती है दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे जो इनकी यूनिट है इसको बोला जाता है फोर्टी सिक्स बी आर टी एफ बॉर्डर रोड टास्क फोर्स तो यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है इन प्रोजेक्ट्स के नाम डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो किस प्रोजेक्ट के अंदर बनता है जैसे अभी अटल टनल का काम हुआ तो वो किस प्रोजेक्ट के अंदर था जो जिला टनल बन रहा है वो किस प्रोजेक्ट के अंदर है तो डायरेक्टली ये प्रोजेक्ट के नाम जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये अपने आप में एक वास्ट टॉपिक टौ होता है इन पर अलग से वीडियो बन सकती है हर एक प्रोजेक्ट पे बी की एक ख़ासियत होती है इनका जो भी प्रोजेक्ट होता है जो भी स्ट्रक्चर ये कंप्लीट करते हैं वहाँ पे जो भी ये बोर्ड इस्टेब्लिश करते हैं उस पर एक यूनिक मैसेज पुटअप करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमांग प्रोजेक्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया रोड बनाई गई है यहाँ पे इन्होंने एक यूनिक मैसेज पुट किया है वे ऑफ वर्सिप में भी डिफरेंट बट गॉड इज़ सेम तो इस तरीके से हर एक स्ट्रक्चर में इनका एक मैसेज होता है एक बोर्ड में एक मैसेज पुट अप करते हैं अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मावौल की तो बी ने एक से बढ़ के एक इंजीनियरिंग माहौल अचीव किए हैं बट हम अगर रिसेंटली ये बात करें तो रिसेंटली बी ने हैंड ओवर किया है अटल टनल जो कि रोहतांग पास में है और ये लेह मनाली नेशनल हाईवे में पड़ता है अगर इस टनल के बनने के पहले की हम बात करें तो लेह और मनाली का जो रूट था वो जनरली फोर टू फाइव मंथ ही ऑपरेट होता था वो और इसके साथ विक्स टू सेवन मंथ ये बंद रहता था ड्यू टू तो द दैवी स्नोफॉल इन लेह मनाली रूट इसको देखते हुए ही हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस टनल को स्टार्ट किया था इस टनल को सेंक्शन किया था और अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया है ये एक नाइन किलोमीटर की टनल है जो कि तेरह हज़ार फीट पे बनी हुई है तो इतनी हाइट पे यह दुनिया की सबसे लंबी टनल है और इसको बनाने में एक कई सारे डिफ़िकल्टीज आई हैं जिनको टैकल करते हुए बी आर ओ के इंजीनियर ने इस काम को कंप्लीट किया है तो ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है अगर हम बात करें डेकोरेशंस की तो लाइक द इंडियन आर्म्ड फोर्स जिस तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्स में उनके पर्सनल्स को या ऑफिसर्स को डिफरेंट मेडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर देयर उनके जो अद्वितीय वर्क होते हैं उसी तरीके से बी में जो ऑफिसर वर्क करते हैं चाहे वो सिविल इंजीनियर हो जूनियर इंजीनियर हो कोई मशीन का ड्राइवर हो कुछ भी हो उनको भी उनके द्वारा किए गए अद्वितीय का वर्क के लिए उनको मेडल प्रोवाइड किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड चक्र तो बी के ऑफिसर्स को जो मेडल दिया जाता है उसका नाम है सौर्य चक्र ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि जनरली हम यही जानते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी पर्सनल्स को ही ये चक्र या मेडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं बट ऐसा नहीं है बी में जो सिविल ऑफिस सिविल इंजीनियर्स होते हैं या फिर कोई नॉन टेक्निकल एम्प्लॉय है उनको भी ये मेडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे बी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिसेंट कुछ सालों में हमने दे हम देखें तो बी ने एक से बढ़ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं विद इन द टाइम या फिर टाइम से पहले अभी रिसेंटली लगभग 44 ब्रिज हैंडओवर किए गए हैं बी के द्वारा जिनका इनोग्रेशन हुआ है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल जिसका नाम है नेचिफू टनल उसका काम स्टार्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश तो आई होप यहाँ पे कुछ जानने को मिला होगा आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग